सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नमस्कार साथियों एसपी लर्निंग हब यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है जैसा कि आप लोगों को पता है रोज रात आठ बजे हमारी लाइव क्लासेज चलती है और हम किसी एक क्लास का कोई ना कोई या तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं या अभ्यास प्रश्नों के बारे में बात करते हैं तो आज हम बात करेंगे एन साइंस जो सेवन्थ क्लास है उसका साइंस का फोर्टीन चैप्टर है चौदवा चैप्टर का नाम आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं विद्युत धारा और इसके प्रभाव इस चैप्टर के अभ्यास प्रश्नों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और राइट साइड में जो बेल का आइकन है उसको दबा दीजिए ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसकी सूचना आप तक आसानी से पहुंच जाए तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की सबसे पहला प्रश्न आप लोगों के सामने स्क्रीन पर यह रहा प्रश्न है विद्युत परिपथों के में निम्नलिखित अवयवों को निरूपित करने वाले प्रतीक अपनी नोटबुक पर खींचिए ये जो अवयव यहाँ पर नाम दे रखे हैं इनके प्रतीक आप लोगों को बनाने हैं जैसे संयोजन तार स्विच ऑफ की स्थिति में विद्युत बल्ब विद्युत सेल स्विच ऑन की स्थिति में तथा बैटरी इन सब के बनाने हैं तो यहाँ पर देखो आपके सामने बने हुए हैं इनको देख सकते हैं आप ठीक है ना देखिए जैसे विद्युत सेल तो ये विद्युत सेल का डायग्राम है और ये इसका संकेत है चिन्ह जिसको अपन कहते हैं विद्युत बल्ब का डायग्राम ये है ये इसका संकेत होता है परिपथ में हम इनको ऐसे दर्शाएंगे संकेत से ठीक है ना परिपथ बना रहे तो अच्छा स्विच ऑन की स्थिति में है तो ये ऑन की स्थिति है ये तो डायग्राम हो गया और ये इसका आरेख हो गया जिसको अपन परिपथ में काम में लेते हैं स्विच ऑफ़ की स्थिति ये स्विच ऑफ की स्थिति है दोनों तार टच नहीं हो रहे यहाँ पर भी टच नहीं हो रहे तो ये स्थितियाँ आप लोगों के सामने आ गई है और बची हुई है बैटरी और संयोजन वाली जैसे बैटरी है दो तीन सेलों को एक जगह जोड़ दो और तार उनसे जोड़ दो साइड में तो वो बैटरी हो जाती है अच्छा प्लस और माइनस बड़ी लाइन और छोटी लाइन को आप साइड में संयोजन तार से जोड़ दो तो ये क्या हो जाता है ये सेल का हो जाता है और दो तीन सेल अगर एक जगह जोड़ देते हैं तो वो बैटरी का बन जाता है तो बैटरी का आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं फिर इसके बाद में आता है संयोजित होता है तो संयोजित कोई भी तार का टुकड़ा संयोजित होता है और उसको सीधी लाइन से हम दर्शाते हैं आई होप फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा दूसरा प्रश्न आप लोगों के सामने यह रहा प्रश्न है चित्र में दर्शाए गए विद्युत परिपथ को निरूपित करने के लिए परिवर्तन आरेख खींचिए अब देखो यह विद्युत परिपथ है विद्युत चित्र है चित्र को विद्युत परिपथ के रूप में चेंज करना है जैसे ये सेल है ये संयोजित तार ये संयोजित तार संयोजित ये, ये यहाँ बल्ब है और ये किसकी स्थिति में है ऑफ की स्थिति में है ठीक है ना तो इसका परिपथ अगर पहला प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा ना तो आसानी से आप बिल्कुल आसानी से इसको तैयार कर सकते हो देखो जैसे ये रहा ये तो हो गया बल्ब ये स्विच ऑफ ऑफ़ की स्थिति में यह हो गई बैटरी री जगह जगह अपन ने जोड़ दिए बन गया परिपथ आप इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं और इसको देखो आसानी से अगर पहला क्वेश्चन समझ में आ गया ना तो आपको देख लेना आगे वाले सारे क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएंगे ठीक है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं तीसरा प्रश्न चित्र में चार सेल दिखाए गए हैं रेखाएं खींचकर कर ये निर्दिष्ट कीजिए कि चार सेलों के टर्मिनलों को तारों द्वारा संयोजित करके आप बैटरी कैसे बनाएंगे बैटरी बनाने के लिए क्या करना है जैसे ये सेल है पहला सेल ये दूसरा सेल ये ठीक है ना दोनों को देखते हैं दोनों से मैं बता देता हूँ अभी जोड़ के आप लिख सकते हैं सेल को ऐसे एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन संयोजितार ये एक सेल हो गया अब अनेक सेलों को दो या अधिक सेलों को आप एक जगह जोड़ दो ऐसे ये बड़ी लाइन ये छोटी लाइन बड़ी लाइन फिर छोटी लाइन संयोजितार से जोड़ते जाओ ध्यान रखना है कि छोटी लाइन से बड़ी लाइन जुड़े बड़ी लाइन से छोटी लाइन जुड़े ठीक देखते हैं जैसे ये प्लस है ये माइनस है तो अब इस सेल को उठा के जैसे मान लो अपन ने यहाँ लग दिया ऐसे, तो ये इसका तो थी तो दूसरे सेल का इधर प्लस वाला सिरा रहेगा इधर माइनस वाला सिरा रहेगा तो ऐसे तो सेलों को जोड़ सकते हैं संयोजन में मैंने दिया बड़ी लाइन छोटी लाइन बड़ी लाइन छोटी लाइन और तार से इनको जोड़ दो ये देखिए आगे यहां जोड़ के बता रखा है यहां देखो सेलों को कैसे संयोजित किया है जैसे रखे हैं उसी स्थिति में संयोजित कर दिया एक सेल के यहाँ तार निकाल दिया इन दोनों को प्लस माइनस को जोड़ दिया फिर ये प्लस माइनस जुड़ गए ये प्लस माइनस जुड़ गए यानी देखो प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस ऐसे जुड़े हुए हैं सब माइनस से प्लस ही जुड़ा हुआ है अब ये इधर प्लस फ्री हो गया ये माइनस फ्री हो गया दोनों को आप यहाँ बल्ब जलाने में काम में ले लो बल्ब यहाँ क्या हो जाएगा ऑन की स्थिति में हो जाएगा तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा अगला प्रश्न देखते हैं चौथा प्रश्न चौथा प्रश्न यह रहा आपके सामने प्रश्न है चित्र में दर्शाए गए परिपथ में चित्र में दर्शाए गए परिपथ में बल्ब दीप्त नहीं हो रहा है क्या आप इसका कारण पता लगा सकते हैं परिपथ में आवश्यक परिवर्तन करके बल्ब को प्रदीप्त कीजिए सबसे पहली बात है कि यहाँ बल्ब जल नहीं रहा क्यों नहीं जल रहा इसका कारण आप बता सकते हैं सबसे पहली बात तो ये दूसरी बात इसका कारण पता लगा सकते हैं आवश्यक परिपथ करके बल्ब को प्रदीप्त कीजिए कैसे बल्ब को आप जोड़ेंगे देखो डायग्राम में दिख रहा है ना उस हिसाब से देखते हैं आपको पता चलना चाहिए कि यहाँ बल्ब भी लगा हुआ है परिपथ भी चालू है सही हो जाए तार भी सही है सेलों को देखिए क्या सेलों का संयोजन सही, सही है क्या मेरे हिसाब से सेलों का संयोजन सही, सही नहीं है यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है फिर यहाँ प्लस है माइनस है मैंने अभी ऊपर वाले सेल सेलों का जो संयोजन था उसमें बताया था कि प्लस से हमेशा माइनस ही जुड़ेगा जैसे ये एक सेल का प्लस सिरा है ये दूसरे सेल का माइनस सिरा होगा तो ये सेल का ये प्लस सिरा हो जाएगा अब यहाँ दूसरा सेल जुड़ेगा ना उसका माइनस सिरा ही यहाँ पर जुड़ेगा ये ध्यान रखना होता है तो यहाँ पर मेरे हिसाब से संयोजन सेलों का जो संयोजन है वो गलत है देख लेते हैं इसकी डिटेल कैसे लिखेंगे आप डिटेल में भी तो देखना पड़ेगा परिपथ में बल्ब को प्रदीप्त करने के लिए एक सेल के धन टर्मिनल को दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल के साथ जोड़ा जाना चाहिए अर्थात हमें प्लस माइनस प्लस माइनस धन टर्मिनल की जगह प्ल, माइनस प्लस माइनस प्लस धन टर्मिनल का संयोजन करना चाहिए ठीक है ना तो साधारण स्थिति में यही है ऐसे समझो आप ऐसे समझो कि जैसे अभी मैंने समझाया ये सेल है ये प्लस ये माइनस ये दूसरा सेल है तो ये प्लस और ये माइनस ऐसे जुड़ेंगे ठीक है ना तो ऐसे संयोजन करना है आपको सीधी सी बात यह है ठीक है ना अगले प्रश्न की बात करते हैं पांचवा प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने देखिए प्रश्न है विद्युत धारा के किन दो प्रभावों के नाम लिखिए कोई भी दो प्रभावों के नाम आपको लिखने हैं तो सीधी सी बात है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव विद्युत धारा का तापीय प्रभाव बोल दो या विद्युत धारा का इसी को बोलते हैं उसमें यह प्रभाव याद रखिएगा तापीय प्रभाव कोई उसमें प्रभाव कहते हैं जिस पर जैसे विद्युत हीटर है विद्युत प्रेस है ये सब इसी पर डिपेंड करते हैं और चुंबकीय प्रभाव में चुंबकीय प्रभाव है ही दूसरा एक तो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव लिख दो उसमें प्रभाव लिख दो और एक चुंबकीय प्रभाव लिख दो दोनों हो जाएंगे ठीक है ना चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न छठा प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने प्रश्न देख रहे हैं आप स्क्रीन पर जब किसी तार से धारा प्रवाहित करने के लिए स्विच को ऑन करते हैं तो तार के निकट रखी चुंबकीय सुई अपनी उत्तर दक्षिण स्थिति में विक्षेपित हो जाती है स्पष्ट कीजिए स्पष्ट कीजिए कि ऐसा क्यों होता है ये आप लोगों को बताना है तो बिल्कुल बता सकते हैं अपन क्योंकि जैसे ही अपन तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण वहाँ पर उत्पन्न होता है विद्युत चुंबकीय तरंगे वहाँ घूमना स्टार्ट करती है देखते हैं चुंबकीय सुई एक छोटा चुंबक होती है बिल्कुल राइट बात है जो उत्तर दक्षिण दिशा की ओर संकेत करती है जब यह सुई किसी दूसरे चुंबक के संपर्क में आती है तो चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं एवं विपरीत ध्रुव आकर्षित करते हैं जिसके कारण चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है इसलिए जब तार में से विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए स्विच को यहाँ फ़ोन गलत लिखा हुआ है ऑन होना चाहिए स्विच को ऑन करते हैं तो यह भी चुंबक की भांति व्यवहार करने लगता है जिसके कारण चुंबकीय सुई अपनी स्थिति से विकसित नहीं विक्षेपित हो जाती है यहाँ भी आप क्या लिखेंगे विक्षेपित हो जाती है ये कुछ वर्ड हैं जो गलत हैं तो इनको आप सही कर लीजिएगा विक्षेपित हो जाती है ठीक है ना अब समझिए जैसे आप लोगों ने कक्षा छः में पढ़ा था दो प्रकार की ऐसे चुंबकियाँ होती है आपको मैं थोड़ा ढंग से ही समझा देता हूँ देखो ऐसे जैसे एक चुंबक एक छड़ चुंबक यह है और दूसरा छड़ चुंबक ये है ठीक है ना अब दोनों छड़ चुंबक को अपन देखते हैं मान लीजिए ये इसका एस सिरा है ये एन सिरा है ये इसका एस सिरा है यह इसका एन सिरा है अगर इस इसी स्थिति में अपन देखेंगे तो यहाँ ये दोनों क्या है आपस में चिपकेंगे क्योंकि विपरीत ध्रुव है विपरीत ध्रुवों में क्या होता है आकर्षण होता है ठीक है ना ये कक्षा छः में आप पढ़ चुके हो और शायद एट्थ में भी मैंने आप लोगों को बता दिया होगा चलो अब देखते हैं कि सॉरी सेवन्थ में भी मैंने बताया होगा क्लास में एस एन और यहाँ एन और एस अब देखिए आप कि यहाँ दोनों एन एन दोनों समान ध्रुव हैं तो ध्यान रखिएगा समान ध्रुव में क्या होता है प्रतिकर्षण होता है तो ये एक दूसरे को दूर भगाते हैं ऐसे ही क्या होता है जब वहाँ पर किसमें मान लीजिए यहाँ से तार जा रहा है और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है यहाँ एक चुंबकीय सुई रखी हुई है तो जैसे ही इस तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो यह चुंबक की भांति व्यवहार करती है तो ये भी चुंबक हो गया यार ये भी चुंबक हो गया अब इसमें अपन डिसाइड थोड़ी कर सकते हैं कि कौन सा सिरा है कौन सा सिरा है यहाँ सिरे दिखाई देते नहीं है अपन को तो वो अपना विक्षेप ऐसे ऐसे विक्षेप दिखाएगी ठीक है ना समझ गए होंगे आप लोग आगे अगला प्रश्न देखते हैं सातवां प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा स्क्रीन पर है प्रश्न है यदि चित्र में दर्शाए गए विद्युत परिपथ में स्विच को ऑफ किया जाए तो क्या चुंबकीय सुई विक्षेप दर्शाएगी यदि चित्र में दर्शाए गए विद्युत परिपथ में स्विच को क्या करना है ऑफ करना है ऑफ किया जाए तो क्या चुंबकीय सुई विक्षेप दर्शाएगी क्या मेरे हिसाब से विक्षेप नहीं दर्शाएगी क्योंकि विद्युत परिपथ बंद हो जाएगा बंद होगा तो यहाँ विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी तो यहाँ इस चारों तरफ जो घेरे लगे हुए हैं तार के इनमें विद्युत धारा नहीं आएगी तो चुंबक की बातें व्यवहार नहीं करेगी तो चुंबकीय सुई भी विक्षेप नहीं दर्शाएगी तो देखो आंसर भी यहां लिखा हुआ है नहीं विद्युत परिपथ में स्विच को ऑफ किया जाए तो चुंबकीय सुई कोई विक्षेप नहीं दर्शाएगी ऐसा इसलिए है क्योंकि विद्युत परिपथ में सेल अथवा बैटरी न होने के कारण परिपथ को बंद करने पर परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी तथा कोई चुंबकीय प्रभाव नहीं होगा मुख्य बात है कि यहाँ पर विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव है वो काम नहीं करेगा और चुंब के प्रभाव काम नहीं करेगा तो सीधी सी बात है इस पेटी में जो चुंबकीय सुई या जिसको अपन कंपास कहते हैं वो वो रखी हुई है वो अपना प्रभाव नहीं नहीं दर्शाएगी विक्षेपित होगी ऐसे की ऐसे की रहेगी जैसे ही देखो ये ऊपर यहां तार निकला हुआ है ऊपर की तरफ ये अब ये जो स्पेस इस है इसको ऊपर नीचे लाके इसके टच कर देंगे ना टच करते ही तुरंत ये चुंबकीय सुई विक्षेप दर्शाएगी ठीक है आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो चलें अपन आगे वाले क्वेश्चनों की तरफ अगला क्वेश्चन देखते हैं आठवां प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है जो ये खालिस्तान वाले प्रश्न होते हैं ना वो आपके माइंड को बहुत अच्छा करते हैं इन क्वेश्चनों को हमें जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं और रिक्त स्थान वाले इनको हमको करना चाहिए तो देखिए देखते हैं प्रश्नों को रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए पहला कै विद्युत सेल के प्रतीक में लंबी रेखा उसके टर्मिनल को निरूपित करती है कौन से टर्मिनल को तो धन टर्मिनल को मैंने अभी सेलों का संयोजन बताया था पहले ही चैप्टर में तब मैंने कहा था कि बड़ी लाइन प्लस छोटी लाइन माइनस और ऐसे संयोजित आर जोड़ते जाओ और यहाँ पर क्या बनता जाएगा परिपथ बनता जाएगा यानी सेलों का संयोजन हो जाएगा तो बैटरी बन जाएगी तो विद्युत सेल के प्रतीक में लंबी रेखा किसको दर्शाती है धन टर्मिनल को यहाँ प्लस का निशान आप लिख सकते हो और धन भी लिख सकते हो चलो आगे चलते हैं दो या अधिक विद्युत सेलों के संयोजन को क्या कहते हैं अभी अभी बताया था मैंने शुरू वाले क्वेश्चन में कि दो या अधिक सेलों को अगर, अगर अपन एक जगह जोड़ दें तो वो क्या बन जाते हैं बताओ वो बन जाते हैं बैटरी क्या बन जाते हैं बैटरी ठीक है समझ में आ गया होगा आप लोगों को मैं यहाँ लिख देता हूँ बैटरी बन जाता है यहाँ पर यह आ जाएगा बैटरी ठीक है अगला प्रश्न देखते हैं जब किसी विद्युत हीटर में के स्विच को ऑन करते हैं तो इसका रक्त तप्त लाल हो जाता है क्या जब विद्युत हीटर को के स्विच को हम ऑन करते हैं तो इसका जो फिलामेंट होता है अंग्रेजी में बोलते हैं फिलामेंट और हिंदी में बोलेंगे क्या तंतु तो यहाँ तंतु लिख सकते हैं अपन नीचे लिख देता हूँ समझ में नहीं आ रहा होगा आपको यहाँ लिख सकते हैं अपन तंतु ठीक है तंतु इंग्लिश में फिलामेंट लिखते हैं एफ आई एल ए एम ई एन टी ये फिलामेंट इसकी मीनिंग आप लिख सकते हो चाहो तो ठीक है नहीं चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है आप हिंदी में लिखिए तंतु पर ध्यान रखिएगा इसको फिलामेंट बोलते हैं क्योंकि कभी कभी प्रश्न में जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्टिव उब्जे, टाइप क्वेश्चन आ गया और उसमें हिंदी में लिखा हुआ आ गया ऐसे फिलामेंट तो फिर थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी आपको इसलिए इसका इंग्लिश जो नाम है वो जरूर याद रखिएगा फिलामेंट ठीक है देखिए अगला प्रश्न देखते हैं इसी का आगे वाला है घय विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित सुरक्षा युक्ति है इसे कहते हैं विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित सुरक्षा युक्ति देखो आधारित तापीय प्रभाव पर आधारित उपकरण नहीं पूछ रहा है ये उपकरण नहीं पूछ रहा है ये हमको ध्यान रखना है अगर उपकरण पूछता तो उपकरण में विद्युत हीटर कोई से भी अपन लिख सकते थे लेकिन ध्यान रखिएगा सुरक्षा युक्ति पूछ रहा है तो सुरक्षा युक्ति तो फ्यूज होती है क्या होती है सुरक्षा युक्ति फ्यूज होती है तो चारों प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को यहाँ मिल चुके हैं देखिए पहले में धन टर्मिनल धन आ गया दूसरे में बैटरी तीसरे में तंतुर चौथे में फ्यूज आशा करता हूँ सारे क्वेश्चन ये समझ में आ गए होंगे आप इसका स्क्रीन ले लीजिए ताकि आगे चले चलिए नेक्स्ट नवा क्वेश्चन आप लोगों को बताता हूँ और नवे क्वेश्चन की बात अपन करते हैं नवा प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने ठीक है देखते हैं एक एक प्रश्न को यहां देखना है आपको क्या करना है यहां तो आपको सत्य असत्य छांटना है कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है दो सेलों की बैटरी बनाने के लिए एक सेल के ऋण टर्मिनल को दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से संयोजित करते हैं नहीं भाई नहीं ये तो गलत है अभी मैंने बताया कि आप क्या लेते हैं दो सेल लेते हैं जैसे एक सेल ये ले लिया दूसरा सेल ये ले लिया तो यहां आप लोगों को पता होना चाहिए कि जैसे इसका ये धन और इसका ये धन सिरा है और इसका ये ऋण सिरा है तो इसके धन सिरे से इसके ऋण सिरे को अपन जोड़ते हैं संयोजन हो ऐसे होगा जैसे मैंने बताया ठीक है तो ये कथन गलत हो गया असत्य लिख देंगे आप यहाँ पर क्या लिख देंगे असत्य ठीक है चलिए दूसरा जब किसी फ्यूज में से किसी निश्चित सीमा से अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो पिघलकर टूट जाता है जब किसी फ्यूज में से निश्चित सीमा से अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो पिघल कर टूट जाता है कौन टूट जाता है फ्यूज टूट जाता है बिल्कुल सही बात है ये सत्य है टूट जाता है फ्यूज अगला प्रश्न देखिए विद्युत चुंबक चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित नहीं करता है हैं विद्युत चुंबक चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करता है नहीं करता है नहीं अगर यहाँ नहीं नहीं होता ये यहाँ से इसको काट दिया जाए तो फिर ये सही था लेकिन इस स्थिति में ये गलत है विद्युत चुंबक चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करता है इसलिए ये गलत है अगला देखिए विद्युत घंटी में विद्युत चुंबक होता है क्या ये कथन सत्य है बिल्कुल विद्युत घंटी में विद्युत चुंबक होता है उसी की वजह से विद्युत चुंबी चुम विद्युत घंटी में जो हथौड़ा होता है वो स्विच ऑन करते आकर्षित होता है तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर सत्य और इसके आगे क्या लिख देंगे आप असत्य ठीक है आई होप नाइन्थ क्वेश्चन जो है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा स्क्रीन ले लीजिए फिर आगे चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं दसवां और दसवां प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने बहुत ही अच्छा प्रश्न है प्रश्न है क्या विद्युत चुंबक का उपयोग किसी कचरे के ढेर से प्लास्टिक को पृथक करने के लिए किया जा सकता है स्पष्ट कीजिए प्लास्टिक से विद्युत चुंबक का क्या कनेक्शन तो ऐसा कभी नहीं होगा ध्यान रखिए प्लास्टिक एक अचुंबकीय पदार्थ है इसलिए विद्युत चुंबक किसी कचरे के ढेर से प्लास्टिक को आकर्षित नहीं करता विद्युत चुंबक जो होगा प्लास्टिक से उसका कोई कनेक्शन नहीं होता है प्लास्टिक को वो आकर्षित ही नहीं करता तो उससे क्या काम है यही कारण है कि विद्युत चुंबक का उपयोग किसी कचरे के ढेर से प्लास्टिक को पृथक करने के लिए नहीं किया जा सकता अगर मान लीजिए कचरे के ढेर में कोई लोहे की वस्तु है या चुंबक की वस्तु है तो उसको ये आकर्षित करके अलग कर सकता है उसको अलग करने के लिए इसका यूज किया जा सकता है जैसे आपने देखा होगा आँख में कोई युक्त पदार्थ गिर जाता है तो उसके उसको बाहर निकालने के लिए विद्युत चुंबक का यूज किया जाता है यूज करते हैं इसका ठीक है ना आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रश्न रहा आप लोगों के सामने प्रश्न है मान लीजिए कि कोई विद्युत मिस्त्री आपके घर के विद्युत परिपथ में कोई मरम्मत कर रहा है वह तांबे के एक तार को फ्यूज के रूप में उपयोग करना चाहता है क्या आप उससे सहमत होंगे अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए फ्यूज के रूप में नहीं 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 तांबे के तार को क्योंकि तांबे का तार जो होता है मजबूत होता है उसका जो गलनांक बिंदु है वह है। अधिक होता है यानी वह टूटता नहीं है तो उसको हम इसके लिए मेरे हिसाब से तो सहमत नहीं होंगे देखते हैं आंसर क्या है यदि विद्युत मिस्त्री विद्युत परिपथ में कोई मरम्मत करते समय तांबे की तार को फ्यूज के रूप में उपयोग करना चाहता है तो हम उससे सहमत नहीं होंगे क्योंकि फ्यूज के लिए केवल कम गलनांक वाली धातु के जो तार होते हैं उनको ही यूज में लिया जाता है देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि कम गलनांक वाली धातु के तार का ही प्रयोग करना चाहिए कम गलनांक मतलब वो आसानी से टूट जाए यदि यदि यह तांबे की तार को फ्यूज के रूप में प्रयोग करेगा तो उच्च विद्युत धारा प्रवाह से वह नहीं पिघलेगी जिससे विद्युत साधित्रों को क्षति पहुंच सकती है इस स्थिति में क्या होगा जैसे मान लीजिए तांबे का तार यूज कर लिया कहां पर फ्यूज़ की जगह ये फ्यूज है मान लो और यहाँ तांबे का तार यूज कर लिया अब यहाँ विद्युत परिपथ में से हम जैसे उपकरणों को काम में ले रहे हैं अब उनको ज़्यादा लोड हो रहा है तो ये तार टूटेगा नहीं तो विद्युत उपकरण क्या है कभी कभी जल जाएंगे तो इनको जलने से बचाने के लिए यहाँ पर क्या होता है कम गलनांक वाली जो धातु है उसी का यूज उसी के तार का यूज किया जाता है आपको मैं यहाँ गलनांक भी बता देता हूँ क्या होता है गलनांक अच्छा गलनांक होता क्या है गलनांक होता है देखो कोई भी धातु है उस धातु को अगर अपन गर्म करें कोई भी धातु का टुकड़ा जैसे ये ले लिया अपन ने हम इसको क्या कर रहे हैं गर्म कर रहे हैं गर्म करने पर यह क्या हो जाए पिघल जाए क्या हो जाए पिघल जाए तो जिस ताप पर जिस टेम्परेचर पर ये पिघलना स्टार्ट करेगा वह टेम्परेचर ही इसका क्या कहलाएगा गलनांक कहलाएगा आई होप आपको गलनांक समझ में आ गया होगा यानी कोई भी ठोस धातु है उसको द्रव में पिघलाना चाह रहे हैं तो द्रव में पिघलाने के लिए जो तापमान चाहिए वो तापमान क्या कहलाता है गलनांक कहलाता है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बारहवा प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने प्रश्न अच्छा है प्रश्न है जुबेदा ने चित्र में दर्शाए अनुसार एक सेल होल्डर बनाया तथा इसके एक स्विच और एक बल्ब से एक स्विच और एक बल्ब से जोड़कर कोई विद्युत परिपथ बनाया जब उसने स्विच को ऑन की स्थिति में किया तो बल्ब दीप्त नहीं हुआ ऑन किया तो बल्ब दिप्त नहीं हुआ परिपथ में संभावित दोष को पहचानने में जुबेदा की सहायता कीजिए देखो प्रश्न बहुत ईजी है लेकिन थोड़ा सा प्रश्न को घुमा दिया चित्र में दर्शाए अनुसार एक सेल होल्डर बनाया और इसे एक स्विच स्विच और एक बल्ब से जोड़ दिया अब चित्र कौन सा है यहाँ चित्र भी आप लोगों को दिया हुआ नहीं है तो अब आप देखेंगे जब स्विच ऑन की स्थिति में है तो बल्ब दीप्त नहीं होता है तो संभावित दोष कौन कौन से हैं अपने विवेक से आप बता सकते हैं इसको सबसे पहला विवेक अपन लगाएंगे पहले सेल का धन टर्मिनल धन टर्मिनल दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से जुड़ा होना चाहिए ये देखेंगे कोई भी परिपथ हो यहाँ चित्र नहीं दिया हुआ कोई दिक्कत नहीं है अपन इतने कमज़ोर थोड़ी हैं बिना चित्र के भी हम बता देंगे हमारे ऊपर वहाँ चित्र रहेगा दिमाग में जो ऊपर पड़ के आए हैं कि पहले सेल का धन टर्मिनल दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से जुड़ा होना चाहिए स्विच को अच्छी प्रकार से बंद यानी ऑफ कर देना चाहिए तारों के सिरे ढीले जुड़े नहीं होने चाहिए और बल्ब फ्यूज नहीं होना चाहिए अगर ये सब हैं तो वहाँ पर जो परिपथ है वो चालू हो जाएगा और बल्ब क्या हो जाएगा ऑन हो जाएगा अगर इनमें से एक भी कमी है तो बल्ब ऑन नहीं होगा किसी भी स्थिति में ठीक है आई होप बारवा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ तेरवा प्रश्न आपके सामने ये रहा प्रश्न है चित्र में दर्शाए गए विद्युत परिपथ में अच्छा विद्युत परिपथ में क्या है विद्युत परिपथ में ये आपको अभी यहां पर बता दिया जाएगा ठीक है ना प्रश्न पूछेगा मतलब परिपथ से रिलेटेड दो प्रश्न पूछेगा चित्र में दर्शाए गए विद्युत परिपथ में यह आपको याद रखना है पहला देखो जब स्विच ऑफ की स्थिति में है तो क्या कोई भी बल्ब दीप्त होगा और ये स्विच ऑफ की स्थिति में है तो बल्ब दीप्त नहीं होंगे मैं तो पहले क्वेश्चन से ही आपको बताता आ रहा हूँ और अब तो आप भी ये समझ चुके हैं कि अगर ऑफ़ की स्थिति में स्विच है यानी देखो ये तार ऊपर हो रहा है इसको जब तक यहाँ टच नहीं करेंगे नीचे तब तक बल्ब प्रदीप्त नहीं होगा कोई सा भी तीन बल्ब लगे हुए हैं यहाँ पर ठीक है तो पहले का उत्तर आपको मिल गया दूसरा जब स्विच को ऑन की स्थिति में लाते हैं तो बल्बों ए बी तथा सी के दीप्त होने का क्रम क्या होगा ये देखना है कि जैसे ही हम यहाँ से ये जो तार ऊपर जा रहा है इसको नीचे ला के यहाँ टच करते हैं तो उस स्थिति में जब बल्ब जलेंगे ए बी सी तो इनके दीप्त होने का क्रम बताना है कि सबसे पहले कौन सा जलेगा ठीक है ना तो देखो स्विच ऑन की स्थिति में लाते हैं तो सबसे पहले ए फिर बी और फिर सी तीनों बल्ब दीप्त हो जाएंगे क्रम से ए बी सी तीनों दीप्त हो जाएंगे ठीक है ना ये कोई जरूरी नहीं है कि पहले ये जलेगा बाद में ये जलेगा बाद में ये जलेगा नहीं तीनों एक साथ क्योंकि देखो इधर इद, इधर से भी परिपथ चालू हो जाएगा इधर से भी परिपथ चालू हो जाएगा तो ये अपन निश्चित नहीं कर सकते कि कौन सा होगा तीनों बल्ब एक साथ ऑन हो जाएंगे ठीक है ना आई होप आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी और ये इस चैप्टर में तेरह प्रश्न थे तेरह प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं वीडियो आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों में शेयर करें सबको बता दीजिए कि जो अगला चैप्टर है विद्युत धारा और इसके प्रभाव चौदहवा चैप्टर उसके भी अभ्यास प्रश्न अपने चैनल पर आ चुके हैं और तो ठीक है वो देख लेंगे और उनका भी जो स्टडी मटेरियल है स्टडी लेवल जो है वो अच्छा हो जाएगा वीडियो कैसा लगा ये बताने के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें और हाँ लाइव क्लासेज़ ये प्रीमियर पर चलती है लेकिन लाइव ही क्लासें हैं तो रोज़ रात आठ बजे जरूर आप चैनल से जुड़ें कोई ना कोई क्लास का जनरल साइंस का कोई ना कोई वीडियो आप लोगों को ज़रूर मिलता है ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए थैंक यू जय राम राधे राधे